हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी रूसा प्रणाली से मिल रही शिक्षा का दंश झेलने को मजबूर हैं, जिस कारण इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे के गर्त में पड़ता जा रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों में एक आशा जागी थी कि भाजपा सरकार प्रदेश से रूसा प्रणाली को हटा देगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रदेश के कॉलेजों में रूसा प्रणाली को समाप्त न करने के बयान से छात्रों में भारी निराशा फिर से पनपी है। इसकी पड़ताल एस्टुडे की टीम ने की और विद्यार्थियों से जाना कि आखिर कैसे रूसा प्रणाली को उन पर थोपा गया है। इस बारे में हमने विद्यार्थियों से बातचीत की। विद्यार्थियों ने कहा कि रूसा प्रणाली सबसे घटिया शिक्षा प्रणाली है जिसे कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। विद्यार्थियों ने कहा कि भाजपा सरकार ने कहा था कि प्रदेश के कॉलेजों से रूसा प्रणाली को खत्म किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इस प्रणाली में परिवर्तन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनकी तरफ से भी निराशा ही हाथ लगी है। कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है कि रूसा प्रणाली की वजह से उनका भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में विद्यार्थी बाहरी राज्यों के कॉलेजों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि रूसा प्रणाली लागू होने से पहले प्रदेश के छात्रों पर फीस का बोझ नहीं था, लेकिन रूसा प्रणाली के तहत बार बार फीस भरने का झंझट सामने खड़ा है। इनका कहना है कि इस प्रणाली में इतनी खामियां हैं कि इससे छात्र ना तो सही से पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही उनका बौद्धिक विकास हो रहा है। रूसा की वजह से वह पिछड़ते जा रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि उनका परीक्षा परिणाम समय पर कभी नहीं आ रहा है। नियन अधिकतर बच्चों की या तो सप्ली आ रही है या फिर उनके परिणाम के सामने एफ लिखा होता है। इस प्रक्रिया की वजह से विद्यार्थियों को डेढ़ डेढ़ साल तक पता ही नहीं चल पाता है कि उनका परिणाम क्या है। विद्यार्थियों को अपना परीक्षा परिणाम का पता लगाने के लिए यहाँ वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सभी विद्यार्थियों ने सरकार से मांग की है कि अगर प्रदेश के कॉलेजों से रूसा प्रणाली को खत्म नहीं किया गया तो कम से कम इसमें परिवर्तन कर इसे सेमेस्टर शिफ्ट से हटाकर वार्षिक परीक्षा पैटर्न कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर वार्षिक पैटर्न पर शिक्षा दी जाए तो इससे परीक्षा परिणाम बेहतर आएंगे। तो कुछ हुआ नहीं इसके बारे में, पर बोल रहे हैं कि इसके जो बीजेपी है इसके बारे में कुछ करेगी। हाल ही में जो सुरेश भारद्वाज जी ने बोला कि रूसा की जो खामी है वो दूर की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ आया हुआ नहीं। तो आपकी क्या मांग है आपकी सरकार से? मांगी है कि ये जो सेमेस्टर से इसको बंद किया जाए, जो ईयरली की जाए इसको, और बाकी को सरकार से यही मांग रहती है कि जो यदि अगर रूसा सिस्टम एक तो सबसे पहले इसी को हटा जाए, अगर ये नहीं हटता है तो कम से कम जो सेमेस्टर सिस्टम है उसे बंद किया जाए और हमारे जो रिजल्ट पेंडिंग आते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और हमारे रिजल्ट जैसे एग्जाम के आफ्टर वन मंथ के बाद मतलब घोषित कर दिए जाए, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा लेट आते हैं जिस कारण से विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। और जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको अच्छे से सुधारना चाहिए। यदि हम क्लर्क के पास जाएं, किसी भी कॉलेज के क्लर्क के पास जाएं, तो वो भी बोलते हैं कि आपको एचपीयू जाना पड़ेगा, एचपीयू में आप एक आम बच्चा एचपीयू नहीं जा सकता। और हमारी यही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा सुधारा जाए और बच्चों के रिजल्ट जल्दी निकाले जाएं। और जो हमारा यहाँ का एक पलायन जो हो रहा है, हमारा एक जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं, वो मतलब हमारी जो एचपीयू को एक इसकी रैंकिंग भी, यदि हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो एचपीयू की रैंकिंग पीछे 139 समथिंग थी, आजकल वो 181 तक पहुंच गई है, यानी कि इसकी रैंकिंग भी वो दिन प्रतिदिन गिर रही है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव किया जाए ज्यादा से ज्यादा। सर फिलहाल तो रूसा एक बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर उसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, प्रॉब्लम ये है कि रूसा को तोड़ मरोड़ कर लागू किया गया है। सेमेस्टर सिस्टम बहुत बेकार है इसका, 6 महीने के सेमेस्टर में सिर्फ 1-2 महीने क्लास लगेगी तो सिलेबस कहाँ से पूरा होगा। सर इतनी ज्यादा बीच में कॉम्पिटिशन्स आते हैं जहाँ से बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन एक बच्चा अपने यही समझ नहीं पाता कि वो पढ़ाई करे, 2 महीने क्लास लगा ले, थोड़ा बहुत जो पास होने के लिए पढ़ना है वो पढ़ पाए या कंपटीशन करे। तो सर इतना गंदा सिस्टम अगर कॉलेज में होगा तो फिर सर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, बच्चे की कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही रूसा के अंडर। बच्चा सिर्फ क्लासेस लगाने जाता है, क्लासेस लगा के आ जाता है, बस सर यहीं तक सीमित हो गया है। ना उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ना सर उसकी कोई डेवलपमेंट है, सिर्फ वो सीमित हो गया है, बहुत ही लिमिटेड हो गया है बहुत ज्यादा। तो कहां गलती कहां लग रही है, सिस्टम गलत है? सिस्टम बहुत वीक है,
जो रूसा है बहुत वीक है, एटलीस्ट सेमेस्टर सिस्टम खत्म किया जाए ताकि ईयरली सिस्टम में बच्चे सब कुछ कर पाए, सब कुछ। एक से क्लास में होता है ना कि एक टीचर जो है वो डिस्कस करता है, डिबेट होती है, कुछ नहीं हो पाता इस रूसा सिस्टम के अंडर, क्योंकि टीचर्स के पास टाइम ही नहीं है। उनके पास सिर्फ टाइम है सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना है, दिमाग से इधर से आता है उधर से जाता है, क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, किसी को समझ आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पलायन जो कर रहे हैं बच्चे या आप भी, तो क्या है ये? तो सर, अगर जिन बच्चों को रूसा सिस्टम की नॉलेज है, वो ऐसा उनको पता है कि इस रूसा सिस्टम के अंडर एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, तो सर वो जा रहे हैं, कोई पीयू जा रहा है, कोई सीयू जा रहा है, कोई डीयू जा रहा है, जहाँ पे रूसा सिस्टम है नहीं। और सर मेरा खुद का ऐसा है कि मैंने एक साल, अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, सेकंड सेम चल रहा है, बट स्टिल कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि रूसा सिस्टम के अंडर मेरी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं जितनी अच्छी प्लस टू में थी, शायद मैं उससे बहुत ज्यादा गिर चुकी हूँ, मेरा बहुत डाउनफॉल हुआ है अंडर रूसा। तो जब सरकार ने चुनाव लड़ा था जी, तो क्या वादा किया था कि रूसा को खत्म किया जी? सर उन्होंने, बीजेपी जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम रूसा के, मतलब रूसा को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सर हम ये भी नहीं कहते कि आप खत्म कर दो, लेकिन एटलीस्ट उसकी क्वालिटी में तो सुधार करो, और सबसे बड़ी बात कि सेमेस्टर सिस्टम तो खत्म करो, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के अंडर पॉसिबल ही नहीं है एजुकेशन।